करेंगे हिंदू सभ्यता में महिलाएं नारियल क्यों नहीं तोड़ती हैं। भारतीय पूजन पद्धति में नारियल अर्थात श्रीफल का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी वैदिक या दैविक पूजन प्रणाली श्रीफल के बलिदान के बिना अधूरी मानी जाती है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। शनि की शांति हेतु श्रीफल के पानी से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का विधान है। नारियल से निकले जल से देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अभिषेक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया था तब अपने साथ तीन चीजें लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु अपने साथ लाए थे। इसलिए नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। नारियल के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। किसी भी पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है, परंतु महिलाएं नारियल नहीं फोड़ सकती। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल नारियल बीज रूप है, इसलिए इसे उत्पादन यानी प्रजनन क्षमता से जोड़ा जाता है। स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए नारी को बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना गया है। श्रीफल यानी नारियल भगवान शिव का प्रिय फल है। मान्यता के अनुसार नारियल में बने तीन नेत्रों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। श्रीफल खाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। इष्ट देव को नारियल चढ़ाने से सुख समृद्धि और मनोवांछित फल मिलता है। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार श्रीफल सुख समृद्धि सम्मान और संपन्नता का सूचक माना जाता है। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में भी शुभ मुहूर्त पर नारियल यानी श्रीफल को शगुन के रूप में देने का बड़ा महत्व है। विवाह को सुनिश्चित करने अर्थात तिलक के दिन भी नारियल को शगुन के रूप में देने की परंपरा आती गई है। वैदिक कर्म कांडों में हवन वगैरह में भी सूखे नारियल चढ़ाने का परंपरा है। अतः भारतीय वैदिक समाज में नारियल का विशेष महत्व है, इसलिए यही वजह है कि स्त्रियों को नारियल फोड़ना वर्जित है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।